कुरला के वेस्ट में है, तो चली जाते हैं और दानिश के घर में हम लोग जाके, दानिश का ओल्ड हाउस है वहीं पे हम लोग जाते हैं और मिलते हैं। और कैसे जाते हैं क्या जाता है आप लोग को सब चीज बताऊंगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले स्टेशन आना है, स्टेशन आने के बाद आपको यहाँ से आप आएंगे, आने के बाद आपको राइट लेना है। तो चलिए चलते हैं रोड, पाइपलाइन रोड की ओर। सो गाइस मैं अभी 2 मिनट के लिए बाहर गया था एंड बाहर इतनी गर्मी आ गई, तो देख सकते हो दूर बाहर को ऐसे आना है सीधा और आगे से आपको लेफ्ट ले लेना है, इसको बोलते हैं पाइपलाइन रोड। आपको सीधा ही जाना है इस पे, ऐसा कुछ नज़ारा होगा। आने के बाद आपको इस रोड पे जाना है और इस रोड पे आपको सीधा ही जाना है, जैसे कि देख रहे हो सिंगल रोड है, इस पे आपको सीधा जाते ही जाना है पाइपलाइन रोड की ओर। काफ़ी लोग के कमेंट के ऊपर मैं वीडियो ही नहीं बना पा रहा हूँ, वो लोग भी मुझे बोलेंगे कि जो कंटेंट हम चाह रहे थे वो हमको मिला नहीं, तो ऐसे वो लोग भी सोच रहे हैं, तो ऐसा ना सोचे, बिल्कुल मैं उनके लिए भी ज़रूर कंटेंट दूंगा, बस थोड़ा सा वेट। तो ये देख सकते हो मार्केट, मार्केट लगा हुआ है, पूरा मार्केट है ये पूरा, और ये लाइन है जैसे कि आप लोग देख रहे हो, इस पे आपको सीधा ही जाना है खाने का। कुरला की शान कौन, दानिश। टिकटॉक का हीरो कौन, दानिश। इंस्टा का किंग कौन, अपना दानिश। दिखने में छावा कौन, दानिश। अंकल लो, दानिश जैन का हाउस कहाँ है जहाँ रहते थे वो लोग? दानिश जैन मालूम नहीं है। फिलहाल मैं वही जगह पे खड़ा हूँ जहाँ से दानिश भाई की डेथ बॉडी यहाँ से ले गई थी और वो उस बिल्डिंग से शूट हुआ था। चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देख सकते हो ये वही रोड है जहाँ से दानिश भाई का मतलब कि फेयरवेल के समय की, और दिखाता हूँ बिल्डिंग कैसा है। और दोस्तों ये जो बिल्डिंग देख रहे हो यही वो बिल्डिंग्स हैं जहाँ से मतलब कि शूट हुआ था, और ये बोर्ड को आप लोग देख लो, हर ब्लॉक पे इनको आप पढ़ सकते हो। हुआ था जो दानिश बहन का, जब उनको फेयरवेल के लिए जा रहे थे तब यही रोड है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। नहीं पता अंकल विंकल को पूछो तो जरा, अंकल दानिश जहन का घर कहाँ है? दानिश जहन का घर बेटा वो वाइट वाली बिल्डिंग भी नहीं देखो। हाँ हम लोग नाम वो वाइट वाली बिल्डिंग ही ना बेटा, उसकी बाजू वाली गली में चले दूध वाले की वो वाइट वाली बिल्डिंग के पास जाकर दानिश जहन का घर किधर है कोई बता दे। तो जस्ट यहाँ पास एक वाइट वाली बिल्डिंग है, जस्ट वही बस हम लोग को पूछना है, और एक गली टाइप से है तो जैसे ही देख सकते हो यही रोड है। तो गाइस फिलहाल वही रोड पे हम लोग पड़े हैं और अभी हम लोग जाने वाले दानिश जैन के हाउस, यही तो सब लोग को पूछना है और कौन सा गली है क्या है, चलिए ढूंढते हैं। यही छोटे से गली में एक बड़ा सा स्टार भी रहता था किसी दिन, और यहीं से वो निकलता था जब वो ब्लॉग शूट करता था। तो दोस्तों ये जो गली देख रहे हो यहाँ पर हमारे पीछे, इसी गली पे आपको जाना है, उधर से सीधा आना है, सीधा आने के बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट टर्न करना है। तो चलिए चलते हैं और उनके घर। तो भाई यहीं से आप लोगों को जाना है इसी गली पे, ये जैसे कि आप लोग देख रहे हो उधर से सीधा हो गया, सीधा जाने के बाद ये जो गली जाता है सीधा है वो दानिश भाई का जो पुराना घर था वहीं पर, ये गली हम लोग को लेके जाएगा। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को पुराना घर का टूर करा। भाई दानिश का घर जाने के लिए किधर से लेफ्ट करेंगे अपन? इधर से दानिश। हाँ हम लोग अभी दूसरे गली से आ गए हैं ना, कौन से लाइन पे जाना आप लोग को, सीधा कि इधर? तो भाई इतने छोटे गली से कोई निकल कर एक बहुत बड़ा स्टार बन गया था वो, तो चलिए चलते हैं, बहुत गली पे है उनका घर। तो उधर है उनका घर जो सामने आपको दिख रहा है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ अगर वीडियोस के ऊपर, मैं अपने ब्लॉग्स के ऊपर इतनी मेहनत करता हूँ, तुम लोग का भी काम बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड जैसे कि हमेशा का हम बहुत मजाक मस्ती करते हैं, हम बहुत ये वो करते हैं, हम बहुत से प्रैंक्स करते हैं, हमने बहुत चीज़ करी, बट ये बार जो मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी सीरियस बात कर रहा हूँ। अगर मैं गाइस मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं डेली व्लॉग्स ड्रॉप करने की बात कर रहा हूँ, जब मैं इतनी हिम्मत जुटा रहा हूँ व्लॉग करने के लिए, तो तुम लोग का भी काम बनता है कि तुम लोग सब्सक्राइब करके जाना है चैनल को। बिकॉज गाइस गाइस ये है फिलहाल दानिश जैन का होम जहाँ की ये रहते थे, उनका ओल्ड होम है, नया होम है वो कहीं चेंज कर दिया जो उनके भाई रहते थे। देख सकते हो ये है उनका पूरा घर,
तो भाई पुराने घर पे आ गया हूँ मैं। काफी दिन से सोच रहा था कि दानिश भाई के घर आऊंगा, दानिश भाई के घर आऊंगा। फाइनली वो दिन आ गया कि आज मैं यहाँ पास आ ही गया हूँ, लेकिन वो भाई आ गए। दानिश का मेरे भाई, आजा लौट के, हर कोई तेरा वेट कर रहा है। दानिश, सो गाइस फाइनली अभी मैं खड़ा हूँ दानिश भाई के घर के पास। काफी दिन से सोच रहा था कि आके ब्लॉग शूट करूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। फाइनली वो दिन आ गया है। बहुत चेहरे पे आप लोग देख रहे हो कि वो काफ़ी ज़्यादा थकान है। उसके बाद भी हम लोग आए और ब्लॉग शूट कर लिए। ये देखो फिलहाल आदमी तो नहीं है, लेकिन सिर्फ घर को देख कर ही सुकून आज मिल रहा है कि एक छोटा सा गली है, इस छोटे से गली से निकल कर कोई आदमी इतना बड़ा स्टार बन गया। जब वो निकलते थे यहाँ से तो ना जाने लोग उनको क्या क्या बोलते थे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये घर है, हम इस साइड आ गए हैं। और ये देखो दानिश भाई, एक समय था जब यहाँ पर रहते थे और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि फेमस थे। एक छोटे से गली से निकल कर यार कोई इतना बड़ा स्टार बन सकता है। अंदर में उनका पूरा रील्स वील्स का सेटअप है, जहाँ पास वो काफ़ी ज़्यादा रील्स क्रिएट किया करते थे। लेकिन फिलहाल ये लॉक है तो हम अभी आपको दिखा नहीं सकते। ना जाने वो स्टार इस दरवाजे से कितना बार निकला होगा और यहाँ पास जाके सीधा कैमरा उठाता होगा, सीधा ब्लॉग शूट करता होगा। तो ये दरवाज़ा है जैसे कि आप लोग देख रहे हो, और यहीं से वो आते थे और इसी गेट से वो इधर से निकलते थे। जब भी तैयार व्यार हो गए गेट से निकला करते थे और इसी गेट से जाकर वो सीधा जाया करते थे। दोस्तों क्या दिन होगा जब वो निकलते थे और यहाँ पास पूरा एनर्जी के साथ पूरा ब्लॉग शूट वो किया करते थे। तो आप लोगों को मैंने पूरा ये घर दिखा दिया है। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना। दोस्तों आज जब वो रहते यहाँ पास तो काफ़ी ज़्यादा मैं खुश रहता। आज वो दिन होता कि जब वो होते तो हम भी साथ में मिलने का एक मौका मिल जाता छोटा सा। तो दोस्तों देख सकते हैं यही है उनका फैनल हाउस, जो कि काफ़ी ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा। यही वो दीवार है, यही वो रंग है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, ट्रू मैंने यहाँ पास आया हुआ है। और इतने दिन भर का सफ़र करके मैं इस घर का आया हूँ। तो वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करो यार, आप लोग ऐसे ही चले जाते हो, दानिश भाई के लिए तो ज़रूर बनता है। तो चलिए चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई जो जो दानिश जैन को हमेशा लाइक करते थे और अभी तक उनके जो ट्रू लवर हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आता है जरूर तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भाई जो जो दानिश जैन से अब भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो कैमरा आर्मी है, उनको वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तो गाइज फिलहाल आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि फिलहाल उनसे तो नहीं मिल पाया, लेकिन उनके घर आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनसे मिल पाया हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। तो चलिए चलते हैं, आज के वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। और ये पूरा उनका होम टूर है जैसे कि आप हम देख सकते हैं। चलो भाई ये देख लो, पीछे उनका घर है और ये गली। क्या बताऊं भाई, जब वो इसी गली से ऐसे ब्लॉगिंग करते हुए जाते हैं तो कितना मज़ा आता है।